सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे फोटोशॉप के बारे में, फोटोशॉप के तमाम टूल्स के बारे में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 11 में, यानी 11वें भाग में। तो हम अध्याय 11 पर थे, हमने तमाम टूल्स के बारे में सीख रहे थे। तो मैंने सिखा दिया है जो मूविंग टूल है, और रेक्टेंगल टूल है, और लासो टूल है, मैजिक टूल है, और ये जो सभी तमाम टूल्स है वहां तक चले गए। यहाँ के बाद में जो ब्रश टूल है उन पर हम आ जाते हैं। जो ब्रश टूल है उसके बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके बिना फोटोशॉप अधूरा है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है ग्राफिक्स डिजाइन में, कार्ड वगैरह बनाते समय, बैनर वगैरह बनाते समय, या फिर बहुत से ज्यादा ग्राफिक्स डिजाइन हमें करनी हो उस समय ब्रश टूल का बहुत ज्यादा यूज होता है। किस प्रकार होता है, क्या होती है ब्रश टूल, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में हम समझेंगे। एक बात के लिए सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं थोड़ा फास्टली बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी न बने, फिर भी यदि लंबी हो जाए तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ब्रश टूल के बारे में समझते हैं, इसके सभी प्रॉपर्टीज में आए टूल्स के बारे में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम ब्रश टूल के बारे में समझ लेते हैं। ब्रश टूल के बारे में सिंपली देखिए, ब्रश टूल जिस तरह से बाय डिफॉल्ट आता है वो इस तरह से आता है। ये देखिए, तो सिंपली पहली जो इसके ऊपर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे, यहाँ पर जो प्रेसेज आती है वो 50% फॉलो, इसको तो आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो पिक्सल्स में कितनी बड़ी करनी है वो आती है यहाँ पर देखनी है। यहाँ से आप अपनी ब्रश की साइज को बढ़ा सकते हैं, देखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए साइज बढ़ गई। और यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे जो और ब्रशेज है जो हम यूज ले रहे हैं ब्रशेज, तो पहली जो ब्रश ब्रश जो सिलेक्टेड है उसमें आप देखेंगे कि जिसमें हार्डनेस जो है वो 0% है, 0% हार्डनेस है। और इस ब्रश को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें 100% हार्डनेस है। एक्चुअली हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस होती है, सॉरी हार्डनेस के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सेटिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स में कुछ नहीं है, जो ये आइकन्स वगैरह है ब्रश साइज के वो अच्छे से देख सकते हैं। तो लार्ज थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो ये अच्छे से थोड़े बड़े होकर दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे इसमें जो ब्रश टूल है वो होते हैं, तो ऐसे थोड़े बड़े होकर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में जो सेकेंड सेटिंग है वो स्मॉल लिस्ट में आ जाएगी। और इसके बाद में जो आप यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट ओनली, तो टेक्स्ट की तरह सिर्फ नेम ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके बाद में रीनेम ब्रश आ जाएंगे, आप ब्रश के अदर नेम्स भी जो है रख सकते हो या फिर रहने दीजिए एक बार के लिए। तो इस तरह से आप ब्रश के बारे में बहुत सारी बातें जो है देख सकते हैं। लोड ब्रशेज या फिर यहाँ से और ज्यादा ब्रशेज आप डाल सकते हो। तो स्ट्रोक थंबनेल आप मतलब इसकी इस तरह से देख सकते हैं कि ब्रश किस तरह से काम करेगी, स्ट्रोक थंबनेल पर क्लिक करके, कि ये वाली ब्रश इस तरह से काम करेगी, 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 इस तरह से अपना जो है इंडिकेटर देगी जब हम इसे यूज करेंगे, ये वाली इस तरह से देगी, इस तरह से देगी, सारी की सारी है। तो आप इसे समझ सकते हैं फिलहाल के लिए, बाय डिफॉल्ट रहने दो। आप इन चार ब्रशों में देखेंगे इसके अंदर तो जो है थोड़ा फेदर आ रहा है, इनमें थोड़ा हार्डनेस है। तो एक्चुअली अब समझ लेते हैं फेदर क्या होता है। फेदर क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, इसलिए कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है सारे डिजाइन में, पहले मैं इसे बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो है स्मॉल लिस्ट पर हम रख लेते हैं, सॉरी स्मॉल लिस्ट थोड़ी थी, बाय डिफॉल्ट ये स्मॉल थंबनेल थे। तो ये जो साइज है आप इसे यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं देखिए, आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर जो इसकी ओपेसिटी है अब वो आप चेंज कर सकते हैं, देखिए कम कर लेते हैं। ये देखिए कम करने पे देखिए इस तरह से आएगा, मतलब जो इसका कलर है वो थोड़ा हल्का आने लगेगा इस तरह से, देखिए। ये देखिए कंट्रोल एल्ट जेड करके थोड़ा पीछे चलते जाते हैं ताकि वापस समझ ले थोड़ा अच्छे से। इस तरह इसकी ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हैं फिलहाल के लिए मैं जो, तो 100% रहने देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं फ्लो की, कितना फ्लो आप इस कलर को फैलाना चाहते हैं, फ्लोइंग पर कितना देखना चाहते हैं। देखिए जितना जो इसका फेदर है, जो इसका बॉर्डर है वो अच्छी तरह से फैलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से इसका जो बॉर्डर है वो फैलता जा रहा है। ये देखिए, तो आप देखेंगे इसकी जो कलर में है थोड़ी सी गहराई आ रही है, इस तरह से आते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एल्ट जेड से हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। उसके बाद में इसकी जो प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी हार्डनेस की। एक्चुअली हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस को समझने के लिए दूसरे ब्रश का टूल लेके का यूज लीजिए। तो इस ब्रश में आप देखोगे इसकी चारों तरफ जो इसका बॉर्डर है वो है बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ये मिक्सिंग नहीं होता जा रहा, यही होती है हार्डनेस।
जो फेदर को जो है आउट कर देता है और हार्डनेस ऊपर आ जाती है, मतलब इसका बहुत क्लियरिटी दिखाई दे इस पर। देखिए थोड़ा सा हार्डनेस कम करके जैसे आप देखोगे, ये देखिए इसका जो चारों तरफ का जो एरिया है वो है थोड़ा बैकग्राउंड मिक्सिंग होता हुआ चलता है, जो कि कार्ड वगैरह जब हम छापते हैं या फिर बैनर वगैरह हम बनाते हैं उस समय बहुत ज्यादा काम में आता है। आपको मान लीजिए कोई शादी का कार्ड तैयार करना हो या फिर वेडिंग कार्ड आपको बनाने हो उस समय इनका यूज होता है। तो चलिए सीख लेते हैं सारी ब्रशेस के बारे में वन बाय वन करके। उसके बाद जो आप देखेंगे अदर ब्रशेस यहाँ पर आती है, इनकी प्रॉपर्टी सिंपली इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे इस पर आप क्लिक करते हैं इस तरह से आई यहाँ पर सेटिंग्स खुल जाएगी। वही ब्रशेज जो पिछली बार पहले हमने समझी थी, यहाँ पर जो आप क्लिक करेंगे उसकी ये प्रॉपर्टी सारी की सारी आती जाएगी। सबसे पहले देखिए मैं दूसरी को क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं ग्रास वाली पर क्लिक कर लेता हूँ, इस ग्रास वाली को समझते हैं थोड़ा सा। चूंकि ग्रास का कलर ग्रीन होता है तो हम ग्रीन ले लेता हूँ। इस ब्रश पर वही कलर वर्क करेगा जो यहाँ पर फॉर बैकग्राउंड कलर में होगा या फिर यहाँ पर फॉर बैकग्राउंड कलर में होगा। इसकी साइज जो है देखिए थोड़ी ज्यादा है तो मैं इसे कम कर लेता हूँ। यहाँ से आपको साइज कम करनी है, ये देखिए साइज कम हो चुकी है। यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इसके रिजल्ट बताता रहेगा क्या होता है इससे वो क्या नहीं होता। ये देखिए इसकी यहाँ पर जब आप स्पेसिंग देखेंगे तो मतलब ये स्पेस देता चलेगा। देखिए ये देखिए इस तरह से बनाएगा, इतना स्पेस छोड़ छोड़ के इस तरह से बनाएगा। इस तरह से आप इसे घास उगाते हुए आप अपने पिक्चर्स दे सकते हैं इस तरह से। एक्चुअली हम खेतों में घास वगैरह उगाने के लिए या फिर ऐसा इंडिकेटर शो करने के लिए या फिर कोई कृषि विभाग की जो कंपनियां है वो इस तरह से अपने बैनर बनवाती है तो वहां पर इस ब्रश का टूल यूज होता है। तो आप इस तरह से इसका यूज ले सकते हैं। ये देखिए इसकी जो स्पेसिंग है वो कम कर लेते हैं, वो इस तरह से आ जाएगी। फिर नीचे मान लीजिए जो कृषि विभाग की कई कंपनियां होती है वो अपने बैनर इस तरह से ही देती है या फिर उसका बॉर्डर जो होता है चारों तरफ का वैसे घास वगैरह के ही देते हैं। सभी टूल्स के बारे में यहाँ पर सभी प्रॉपर्टी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, आप स्वयं करके देखिए कि क्या क्या इनसे होता है करके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप करके देखेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगी। बाकी थोड़ा हार्ड पड़ता है, बाकी एडवांस लेवल में आपको जब चलूंगा तो मैं आपको सारे के सारे बताता चलूंगा कि क्या क्या आपको करना है। कंट्रोल लेयर से पीछे चले जाते हैं अच्छे से समझने के लिए इन प्रॉपर्टीज को, कि एडवांस लेवल में जैसे चलूंगा वो सारी की सारी कहाँ पर इसका अच्छे से यूज होता है पहले आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। थोड़ा सा वर्क में आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाए। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्पेसिंग जो इस तो सेफ डायमेटिक है उसके लिए तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। एक्चुअली दोस्तों ये जो प्रॉपर्टीज है वो सभी पर जो है इफेक्ट नहीं डालती, कोई प्रॉपर्टीज किसी किसी और ब्रश पर इफेक्ट डालती तो इस पर नहीं डालेगी, यदि इस पर डाल रही है तो किसी और पर नहीं डालेगी, या फिर किसी और पर भी डाल सकती है, दो पर डाल सकती है, तीन पर डाल सकती है, कितनी ब्रशेस पर इफेक्ट नहीं डाल सकती है। चाहे तो किसी भी ब्रश पर इफेक्ट न पड़े किसी प्रॉपर्टीज का, तो हर प्रॉपर्टीज का अलग अलग इफेक्ट होता है, इनको एक बार के लिए रहने दीजिए। तो आप ये सब खुद ही करके देखिए। ये देखिए ड्यूअल ब्रश होते ही आप यहाँ पर देखेंगे जो इस तरह से देखिए ड्यूअल ब्रश के रूप में यूज हो रहा है, मतलब जो नीचे वाला एरिया है वो कट हो चुका है। इस तरह से आप कर करके देख लीजिए जैसा आपके यूज के हिसाब से हो। देखिए इसमें तीन जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी काम के नहीं है, ये थोड़ी आई थी टेक्सचुअल थोड़ी हुई हो चुकी है। बाकी देखिए ट्रांसफर भी इसमें कोई काम का नहीं है। यहाँ से आप इसका एंगल थोड़ा चेंज कर सकते हैं, देखिए इस घास को आप इस तरह से उगाना चाहते हैं, फिर जो कटी हुई घास होती है उसके रूप में आपको इस तरह से इसे देखना है। देखिए सॉरी इस तरह से आपको इसमें इसके रूप में देखना है, सॉरी ये थोड़ा सा डिसलेक्ट हो गया है, मैं इसको पीछे से जाकर वापस कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये जो सिलेक्शन है वो ब्रश टूल पर नहीं रहा, नीचे चला गया सर्च बार पर। तो ये देखिए फिर से आ जाते हैं उसी जगह यहाँ पर थे हम। हाँ तो इसका जो एंगल है वो देखिए यहाँ से इसको सबसे पहले कंट्रोल एल्ट जेड करके इसे क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको गिरी हुई घास है फिर जो कटी हुई घास है उसको इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं कर करके देख ले, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए स्पेसिंग ज्यादा भी कर सकते हैं, ये देखिए आप कम भी कर सकते हैं इस तरह से देख, ये देखिए ये देखिए कंट्रोल एल्ट जेड कर दीजिए। समझने के लिए मैं बार बार पीछे जा रहा हूँ। यहाँ से आप साइज रिसाइज कर सकते हैं और कोई भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो कोलन सिक्योर है वो इसकी बात हम एडवांस लेवल में करेंगे, इस भी इसका कोई यूज नहीं है तो इस पर ज्यादा आप ध्यान नहीं दे। और ये जो पहले वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बता दी वही प्रॉपर्टीज हैं और इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी चलती जाएगी। आप वन बाय वन करके सारी ब्रशेज देख सकते हैं और यहाँ से इस तरह से देखिए मैं और सारी दिखा देता हूँ। इस तरह से ये आ रही है, यहाँ से इसकी साइज कम कर लीजिए या पर आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से चलेगी, ये देखिए कड़ी के रूप में चल रही है,
ये बहुत ज्यादा काम में आती है जब बैनर वगैरह या फिर हम कोई ग्राफिक डिजाइन का कार्य करते हैं उसमें बहुत ज्यादा काम में आती है। अब आप ये देख सकते हो इनसे छोटे बच्चों के पैर बनाने में इसका यूज दिया जाता है। आप अभी नहीं सीख पाओगे कि किस तरह से बनेंगे, जब मैं एडवांस लेवल में चलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका यूज उसमें लिया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए एंगल में घुमा लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा और घुमा लीजिए एंगल में इस तरह से। जैसे आप घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे की एक उंगली जो है बन चुकी है, और इसकी थोड़ी सी साइज कम कर दी, सॉरी ये तो रहने दीजिए आप, और यहाँ से इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी छोटी कर दीजिए, जो है छोटी वाली उंगली, इससे छोटी वाली उंगली, इससे छोटी वाली उंगली, देख पा रहे हैं आप। और अब इसकी थोड़ी सी साइज जो है बड़ी कर लेते हैं, ये देखिए, यहाँ से इस तरह से इसके पाँव वगैरह हम बना सकते हैं। और इसको एंगल में जो है अब सीधा ले लेते हैं इस तरह से, हम इसके एंगल को थोड़ा ले लेते हैं, अभी हमें थोड़ा बड़ा और चाहिए तो और बड़ा ले लीजिए इस तरह से। आप देखेंगे इसके पाँव वगैरह जो है बना सकते हैं अच्छे से। अभी तो इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा क्योंकि पहले से मैंने इसमें बहुत सारे जो करेक्शन कर दिए थे, इसलिए यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर राउंडनेस जो है जितना करना चाहिए उतना कर सकते हैं, सिंपल है और सारी की सारी चीज़ इसमें। बाकी आप इन प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा न जाए, मैं एडवांस लेवल में इनके बारे में बताऊंगा, अभी इनका कोई यूज नहीं। अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि ब्रश एक्चुअली क्या होता है। इस तरह से कहीं पर कलर फिलिंग करनी हो तो भी इसका बहुत सारा यूज लिया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बात चीज पर, क्या होती है ब्रश का यूज ग्राफिक्स डिजाइन में कैसे लिया जाए। तो इतनी सी ब्रश है जी, तो है इनमें क्या ग्राफिक्स डिजाइन होगी। एक्चुअली दोस्तों जब कार्ड बनाते हैं तो जो गणेश जी वगैरह वो बार बार हमें यूज में लेने पड़ते हैं, या फिर वेडिंग कार्ड में गणेश जी वगैरह यूज लेते हैं, या फिर जो कलश वगैरह है वो यूज लेते हैं, या फिर जो जो वेलेंटाइन कार्ड्स हैं उनमें फ्लावर्स वगैरह यूज लेते हैं, ऐसी ब्रशेज हमें यूज लेनी होती है। तो हम अपने ब्रश खुद भी बना सकते हैं ऐसी ब्रशेज के लिए। एक्चुअली हम बनाते भी खुद ही है, सिंपली आप इसको ये वापस इस पर क्लिक करके इस प्रॉपर्टीज को रहने दीजिए और मैं आपको बनाकर बताता हूँ। ये जो PNG फाइल ही आप डाउनलोड करें वही आपकी ब्रश बनेगी, वरना आपको कटिंग करनी पड़ जाएगी। ये देखिए इस फ्लावर की मैं आपको ब्रश बना के बताता हूँ। सिंपली आप इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, इसको एंटर कर दीजिए और कंट्रोल ए पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एडिट पर जाना है, और एडिट पर जाने के बाद आपको इसमें दिखेगा नीचे ऑप्शन आएगा, सॉरी शायद इसमें ऑप्शन शो नहीं कर रहा, ये देखिए ये है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है, और सिंपली क्लिक करके ये बता दे रहा है यहाँ पर, इसको आप सिंपली नाम दे दीजिए, मैं इसको सिंपली रोज नाम दे देता हूँ, चाहे फ्लावर कोई सा भी आप रहने दीजिए, रोज नाम दे दीजिए इस तरह से। देखिए फ्लावर्स आप यूज ले लेंगे और इस पर ओके कर देंगे, ये देखिए। और हम जब पहले वाले में चले जाएंगे तो ये देखिए ब्रश के रूप में इतना बड़ा आ रहा है, तो हम इसको साइज थोड़ा जो है छोटा कर लेते हैं, यहाँ से देखिए ये छोटा हो गया, ये देखिए। अब यहाँ से जो है इसके कलर जो है रेड ले लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि जो है रेड होता है इसका कलर, ये देखिए ये देखिए। और इसकी ओपेसिटी सेटिंग उसी तरह से ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से जो है इसकी जो स्पेसिंग है थोड़ी बढ़ा देते हैं, ये देखिए इतनी स्पेसिंग इसमें कर देते हैं, ये देखिए। अब आपको जहाँ पर फ्लावर लगाने हैं वहाँ पर फ्लावर लगा सकते हैं, और इसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी हम बढ़ा देते हैं। हार्डनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर जाएंगे, और सॉरी हार्डनेस का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ कुछ में दे देता है कुछ कुछ में नहीं देता है हार्डनेस, उस पर उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखिए इस तरह से आपके सामने ये आ चुका है, और आप एंगल बाई एंगल चेंज कर सकते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग कहेंगे कि यार ये तो कलरफुल नहीं आ रहा है, तो हमें कलरफुल देने हो तो उसके लिए तो मैं एडवांस लेवल में आपको बताऊंगा। वैसे हम छोटे मोटे करते हैं तो प्रिंट जैसे ही निकलोगा क्या आएगा, वो व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट में ही आएगा, और यदि आप कलरफुल छापना हो तो उसके लिए मैं एडवांस लेवल में आपको लेकर चलूंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और अब जैसे सीख लेते हैं कोई और ब्रश बनाकर, देखिए एक एक दो और बता देता हूँ मैं आपको, फ्लावर के मैंने देख ली, उसके बाद में ये जो दिया बाती करती हुई है वो है, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये वेडिंग्स के लिए दिखा देता हूँ, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, सॉरी डिलीट बटन पर सिंपली प्रेस करके इसको डिलीट करना। ये जो है वेडिंग वेड्स जो है वेडिंग कार्ड बनाते समय बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं, वेड्स या फिर जो सेलिब्रेट कार्ड है वेलेंटाइन कार्ड है उनको बनाने के लिए यूज में लेते हैं। कंट्रोल ए कर दीजिए सिंपली, और उसी पर एडिट पर चले जाइए, एडिट पर चले जाए डिफाइंड ब्रश पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे सिंपली नाम दे दीजिए वेडिंग, कुछ भी दे सकते हैं, ये तो मैं सिर्फ इंडिकेटिव के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए टैलेट में जाएंगे तो आपके सामने जैसे आप ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए ब्रश
टूल पर फ्राउड सिलेक्टेड है तो इसमें वो ऐड हो गया होगा, आप देख लीजिए एक बार के लिए। तो इसका नाम जो है हम नेम वाइज एक बार ले लेते हैं, थोड़ा सा वो दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो इसकी जो लिस्ट है वो नेम वाइज हम ले लेते हैं टेक्स्ट ओनली। तो हमने उसका नाम दिया था वेडिंग, तो हमें वो सिंपल ही वेडिंग नाम से ही मिलेगा। ये जा देखिए लास्ट लास्ट में आ गया, ये देखा बहुत ही बड़ा जा रहा है, तो इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ये देखिए इसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो गई, और ये देखिए वेड्स 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 आ रहे हैं, सिंपली रेड नहीं तो और कलर भी आप ले लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो आता है ये वाला, इसको भी आप सिंपली इसी तरह से ले लीजिए। इस तरह की इमेजेस जो है मैं ब्रश बनाकर बहुत सारे कार्ड्स वगैरह में यूज में लेते हैं, इसका भी आप जो है बना लीजिए। और अब देखते रहिए मेरे वीडियोस, इससे थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी होगी उसके लिए माफी चाहता हूँ। ब्रश को समझाना बहुत जरूरी था, थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज में होता है, मेरी बात मानिए बहुत ही ज्यादा आपका यूज में होगा, बहुत ही वर्क करना आपको पड़ेगा जब वेडिंग जब सॉरी वेडिंग क्या जब आप ग्राफिक्स डिजाइन करेंगे तब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तो आप इसे नॉर्मल लेकर चल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल मत लीजिए, बेसिक सीरीज है, बेसिक के तहत समझिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।